गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 29 जून 2020। तो आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप लोगों का मैं अर्चना सिंह सक्सेस मन चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो आज देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स में नई घटनाएं घटी जो कि हमारे एग्ज़ाम, चाहे वो SSC CGL का हो, बैंक का हो, CHSL का हो, MPPCS, UPPCS, UPSC, रेलवे या कोई भी अदर PCS एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग इम्पॉर्टेंट खबरों के अलावा यहाँ एक्स्ट्रा खबरें नहीं करते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो व्यूअर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेंस की सीरीज हमारे चैनल पे चलाई जा रही है पहली बार। GS 1, 2, 3, 4 चारों की डिस्क्रिप्टिव स्टडी विथ PDF, तो आप लोग चैनल को ज्वाइन करना ज़रूर शुरू करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फेयर एंड लवली के बाद कौन सी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट से काले, गोरे और हल्के जैसे शब्दों को हटाने की घोषणा की है? तो ये है लोरियल ग्रुप। लोरियल ग्रुप ने ऐसा काम किया है, इन्होंने इन शब्दों को हटाने की घोषणा की। और कुछ समय पहले अमेरिका में शुरू हुआ ब्लैक वाइट मैटर आंदोलन कई देशों में ये फैल गया है। तो ये आप लोग समझ सकते होंगे, पहले फेयर एंड लवली ने फेयर शब्द को हटाना शुरू किया, अब लोरियल ग्रुप ने भी अपने प्रोडक्ट से ये शब्द हटाने शुरू कर दिए हैं। तो चलिए शुरू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोट, मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा करने के लिए किस फोर्स के गठन की मंजूरी दी है? तो ये दिया है इस UP स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की मंजूरी। पहले चरण में इस बल की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा और साथ ही SSF की स्पेशल यहाँ ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड के किस फिल्म डायरेक्टर ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज मामी को फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड के सदस्य से इस्तीफा दे दिया है? तो ये किया है करण जौहर ने। बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने हाल ही में मुंबई की एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज मामी, जिसे कहा जाता है, को फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड के सदस्य इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मामी की डायरेक्टर स्मृति किरण को इस्तीफा मेल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस तेल कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग की समस्या खत्म करने के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा लॉन्च की है? तो ये किया है हमारा IOCL ने। भारत की सबसे बड़ी जो तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग की समस्या को ख़त्म करने के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा लॉन्च की है, जिसके तहत EV चालक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मतलब EV का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चालक, मिनटों में डिस्चार्ज बैटरी के बदले फुल चार्ज बैटरी यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मुताबिक डेविस का फाइनल को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये अभी फ़िलहाल 1 साल के लिए स्थगित किया गया है। अब फाइनल मुकाबला 2021 में 22 नवंबर से होगा और साथ ही फेड कप का फाइनल भी अगले साल अप्रैल में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में किस देश के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया है? तो अभी राजनाथ सिंह गए थे यहाँ पर, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते की करंट अफेयर में आप लोगों को बताया था, ये रूस के परेड में यहाँ भाग लिया है इन्होंने। यहाँ सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में रूस में 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सशस्त्र बल मित्र राष्ट्र की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नासा का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। हाल ही में नासा ने घोषणा की है कि नासा मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। मैरी डब्ल्यू जैक्सन एक गणितज्ञ और एयरोस्पेस इंजीनियर थी। उन्होंने 1942 में गणित और भौतिकी में हैम्पटन यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इसकी स्थापना हुई थी, जो नासा की स्थापना की हम बात कर रहे हैं, तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय है Washington DC में और संस्था के कार्यपालक हैं चार्ल्स बोल्डेन, जो कि प्रबंधक हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण की खोज के लिए नई पहल शुरू की है? तो ये किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण का पता लगाने के लिए अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है।
MSAME मंत्रालय के तहत काम करने वाले इस वैधानिक निकाय ने अपने नासिक प्रशिक्षण केंद्र में चंदन और बांस के 500 पौधे लगाए हैं। वृक्षारोपण प्रक्रिया का उद्देश्य संपत्ति का मुद्रीकरण करना है। KVIC ने सुगंध और स्वाद विकास केंद्र FFDC उत्तर प्रदेश से चंदन के पौधे और असम से बांस के पौधे भी यहाँ खरीदे हैं। तो आज का करंट अफेयर यही ख़त्म होता है। होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।